नमस्ते। आज एक बार फिर से आपके साथ मैं लाई हूँ महावास्तु और हेल्थ को लेकर। हेल्थ स्पेशल ये करंट टाइम्स में, करंट टाइम क्या खास है इसमें? खास क्योंकि ये पेंडेमिक के चलते हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, जिसे देखो वो इससे प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट और कुछ लोग इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जिन्हें ये कोविड या कोरोना जो कहें वो इलनेस का असर हुआ है, वो उससे प्रभावित हुए हैं, वो उसके विक्टिम हुए हैं। और कुछ लोग जिन्हें ये नहीं हुआ है पर फिर भी वो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर छू रहा है, जैसे कि उन्हें यूँ लगता है आज नहीं तो कल मेरी बारी आ जाएगी। ऐसा एक डर का माहौल सा बन गया है। पहले ऐसा लगता था कि नहीं, ये दूसरों को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब ये सेकेंड वेव वापस स्टार्ट हुआ और बहुत सुनाई देने लगा कि यहाँ भी हो रहा है, इसे हो रहा है, और हमारे भी सुनने में आने लगा कि जब हमारे परिचितों के फोन आने लगे कि नहीं फैमिली में कुछ हुआ है, रिश्तेदारों में किसी को हुआ है, या किसी परिचित को हुआ है, किसी मित्र को हुआ है, तो यूं लगने लगा कि हाँ वाकई ये लहर कुछ ज्यादा फैल गई ही है। यदि इसका असर हम पर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आज हम इसकी बात करेंगे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इससे बचने का या प्रोटेक्शन का कोई उपाय है? या हम यदि बच नहीं पाए, यदि इसके लपेटे में आ गए, तो क्या हम अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, हमें ज्यादा परेशानी ना हो? जैसे कि एक आम सर्दी बुखार होता है और हफ्ते 10 दिन में हम वापस ठीक होके अपने काम पे अपने उसी जोश के साथ वापस लौटते हैं, तो हमें तकलीफ नहीं होती, वैसे ही ये हमें चूकर निकल जाए। क्या हम इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगी महावास्तु की और महावास्तु के उपायों की, जिससे हम इससे बचने के भी उपाय कर सकते हैं, और यदि हो भी जाए तो किस तरीके से फास्ट रिकवरी हो इसका उपाय कर सकते हैं। एक चीज पहले ही बता दूं और बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, कोई भी अल्टरनेट थेरेपी, चाहे वो महावास्तु हो या कोई भी और थेरेपी हो, वो कन्वेंशनल थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है। यदि आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं या आपको लगता है कि आप इससे प्रभावित हुए हैं, तो डॉक्टर को विजिट करना ना भूलें, समय पर इसका इलाज करना ना भूलें। हम जानते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप सावधान नहीं रहे तो ये थोड़ा अलग रूप ले सकता है, लेकिन यदि आपने सावधानी से लक्षण दिखते ही तुरंत इसका इलाज करवा दिया तो आप तुरंत ही ठीक हो जाएंगे, आपको इसका असर ज्यादा नहीं होगा। फिर से एक बार दोहराऊंगी, अल्टरनेट मेडिसिन या महावास्तु इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एनर्जी वर्क है जो इसके साथ हमें और बेहतर हील करने में या इसकी रिकवरी फास्ट करने में मदद करता है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे प्रोटेक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं या इसकी फास्ट रिकवरी कैसे हो, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। कोई भी बीमारी यदि हम देखें तो तीन लेवल पर, तीन तरह से या तीन स्तर पर काम करती है, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। और सबसे पहले कोई भी रोग हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी में आता है और बाद में वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। यदि हम मेंटल और इमोशनल बॉडी की बात कहें, तो जैसे कि अभी आपके सामने मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई फिजिकल लक्षण नहीं है, मुझे कुछ बुखार या कुछ सर्दी खांसी कुछ नहीं है, पर हो सकता है मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, यानी कि मेंटल और इमोशनल लेवल पे मेरे अंदर एक डर, मुझे ना हो जाए, कैसे मैं इससे बचूं, इस तरीके के भाव अंदर हैं,
तो मेरी ऑरिक बॉडी को वो वीक करेगा, और हो सकता है कि वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो, यानी कि मेरे भौतिक शरीर में बीमारी के रूप में दिखाई दे। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को ठीक करना है। ये अभी की बात नहीं है, सालों से हमारा शास्त्रों में इस चीजों को लिखा है, और हमने सुना भी है, हम मानते भी हैं, हम गाहे बगाहे इन शब्दों का उपयोग भी करते हैं, जो डर गया सो मर गया, डरने की जरूरत नहीं है, प्लेसिबो काम करता है, हम जैसा मान लेते हैं वैसा होता है। और अब तो साइंस भी कहता है कि आधे से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी कि पहले वो मन और भाव के तल पर आती हैं, फिर आपके शरीर में मैनिफेस्ट होती हैं। अब आप कहेंगे कि यदि आप कह रहे हैं मन और शरीर का ये संबंध है और पहले मन के तल पर आती है, तो हम कैसे उसे समझ सकते हैं और उसे कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसको भी समझने के लिए हम थोड़ी चर्चा आयुर्वेद की करेंगे और थोड़ा इस बीमारी को और समझने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना या कोविड-19 कहें, हमें पता है कि ये इसके लक्षण जो हैं वो सर्दी जुकाम होना, खांसी आना, फिर ब्रीदिंग में कंजेशन होना, आप श्वास अच्छे से नहीं ले पाते, फिर एक लेवल और बढ़ता है जब आपका ऑक्सीजन स्तर, क्योंकि आप अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, आपके शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, और एक लेवल पर आकर ये फेटल हो सकती है। कोई भी इलनेस हो, यदि वो उसको समय पर हमने नहीं रोका या समय पर उसका उपचार नहीं किया, तो घातक सिद्ध हो सकती है। हमें लगता है कोरोना घातक है, यदि एक छोटी सी फुंसी भी हो जाए ना शरीर में और उसका समय पर इलाज नहीं किया जाए, तो उसका भी पस पूरे शरीर में एक जहर के रूप में फैल सकता है, तो हम उसका भी इलाज तुरंत करते हैं। ऐसे ही बस इसका भी हमें समय पर इलाज करना है, हल्के से लक्षण दिखते हुए तुरंत इलाज करना है। अब इसके लक्षण यानी कि सर्दी खांसी, ड्राई कफ ज़्यादा हमें दिखाई देती है, यानी एक ड्राइनेस, यानी कि हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वात का बढ़ जाना, खुश्की का बढ़ जाना, खुश्क ड्राइनेस, हम बात कर रहे हैं ना, ड्राई कफ होने लगती है, एक खुश्की सी आने लगती है, यानी कि शरीर में वायु बढ़ गई है। सुनने में लगता है जुकाम है यानी कफ होगा, लेकिन यहाँ पर ये ड्राइनेस है कि ड्राई खांसी हो रही है, शरीर में पूरी एक ड्राइनेस, एक अलग सी बेचैनी, अलग सा एक बॉडी में जो पेन फील होता है, वो उसके जो लक्षण हैं वो ड्राइनेस के कारण है। अब आयुर्वेद की यदि भाषा में हम बात करें तो वात कफ पित्त, हम सभी की एक प्रकृति है, एक प्रकृति को लेकर हम पैदा हुए हैं और वो फिक्स है, वो बदली नहीं जा सकती। यदि मैं पित्त प्रकृति प्रधान हूँ तो ताउम्र मेरी प्रकृति पित्त प्रधान रहेगी। आप यदि वायु प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, तो ताउम्र जिस प्रकृति के साथ आपने जन्म लिया है, ताउम्र आपकी प्रकृति वही रहेगी। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी प्रकृति क्या है। यदि आप खुद समझ सकते हैं, आपको इसकी समझ है, तो सिंपली आपको चेक करना है क्या आपकी प्रकृति में इम्बैलेंस तो नहीं आया है, क्या आपके शरीर में वायु का प्रकोप तो नहीं बढ़ गया है। अभी वैसे ही एक ड्राइनेस है वातावरण में, तो उसका असर तो आपके शरीर पर नहीं आया है। और यदि आप स्वयं नहीं समझ सकते, तो किसी आयुर्वेदाचार्य की मदद ले सकते हैं ये देखने के लिए कि शरीर में वायु तो नहीं बढ़ गई है। अब इसको हम, ये तो आयुर्वेदाचार्य की बात है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं महावास्तु की। महावास्तु डॉक्टर खुशदीप बंसल की 28 सालों की रिसर्च और अथक जो उन्होंने शोध की है, उसका परिणाम जिसने हमें 16 दिशाओं की अवधारणा दी है, और हर दिशा का एक जो नियत एट्रीब्यूट है अपनी रिसर्च से हमें बताया है, और ये रिसर्च 12,000 से भी ज़्यादा केस स्टडीज के बाद हमारे सामने आई है।
आज कितने ही महावास्तु आचार्य और ट्रेनर वर्ल्ड वाइड, कितने ही महावास्तु एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड महावास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सफल केस स्टडीज हमें दे रहे हैं। तो महावास्तु, आयुर्वेद और इलनेस, करोना, इसको हम किस तरीके से देखेंगे? वात, हमने कहा कि वात के बढ़ने से इस बीमारी का आना या बीमारी का बढ़ना देखा गया है। तो वात, केबी ने, डॉक्टर खुशदीप बंसल ने बिल्डिंग को भी उसकी प्रकृति के रूप में विभाजित किया। बिल्डिंग की भी अपनी प्रकृति है, जैसे शरीर की एक प्रकृति है, मैं, मेरे भीतर वात पित्त कफ है जिसका अपना एक बैलेंस है, वैसे ही जिस भवन में मैं रह रही हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ या मैं काम करती हूँ, उस बिल्डिंग की भी अपनी एक प्रकृति है, वात पित्त और कफ। उसमें कहीं यदि वात यानी वायु का प्रकोप बढ़ गया है तो भी शरीर में आप ये देख सकते हैं, क्योंकि आपका भवन तो आपकी ही भावनाओं की पुत्री है, आपके ही सबकॉन्शियस का प्रोजेक्शन आपका भवन है। जो आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपके भवन में दिखाई देगा, और जो भवन में इम्बैलेंस है उसका रिफ्लेक्शन आपके शरीर में दिखाई देगा। अब देखना है कि हाँ, यदि बिल्डिंग में वायु बढ़ गई है तो हम नॉर्मली कहते हैं ना कि खाना पीना हम कुछ खा लेते हैं गलत तो वायु बढ़ जाती है, बिल्कुल ना, कि यदि हमारी ये प्रकृति का असर होता है, इसमें कोई इम्बैलेंस आता है तो किन चीजों से आता है? आचार, हमारा आहार, व्यवहार और विचार। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा आहार कैसा है, वो या तो इस प्रकृति को इम्बैलेंस करता है या इसे संभाव में यानी बैलेंस रखता है। तो इसका असर बिल्डिंग पर कैसे होगा? जी, हम बात करते हैं इसका असर बिल्डिंग पे कैसे दिखाई देगा। मैंने कहा कि वायु का बढ़ना, वात का बढ़ना और बिल्डिंग में भी वात का, यदि वात कुपित होती है या वात बढ़ जाती है तो ये शरीर में भी उसका मैनिफेस्टेशन दिखाई दे सकता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में हम वात पित्त कफ को कैसे देखेंगे। तो समझने के लिए बहुत आसान है कि हम दिशा चक्र की मदद लें। ये दिशा चक्र आप सभी ने महावास्तु ऐप तो डाउनलोड कर ही ली होगी, नहीं की है तो चेक माई वास्तु ऐप है, iOS और एंड्रॉयड दोनों में है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप आसानी से देख सकें कि आपके घर में कौन सी दिशा कहाँ है। चेक माई वास्तु में अब आप देखेंगे तो यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट से लेके जो साउथ वेस्ट का एरिया है, ये जो आपको सफेद वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये वात का एरिया है। ऐसे ही यहाँ पर इधर जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ग्रीन थोड़ा ईस्ट तक हम देखेंगे इसे, तो ये कफ का एरिया है। और यहाँ से ईस्ट से लेके हम यदि साउथ साउथ वेस्ट की ओर आते हैं तो ये एरिया पित्त का है। वात, पित्त और कफ, इस तरीके से ये तीन एरिया हैं जो वात पित्त कफ हमें बताते हैं। अब हम जब कह रहे हैं कि वात का बढ़ जाना, यानी बहुत सिंपल हो गया कि वात का बढ़ जाना यानी ये दिशाओं में कहीं इम्बैलेंस आया है। कैसा इम्बैलेंस? यहां पर वात बढ़ गया है, वायु बढ़ गई है। वायु कैसे बढ़ गई है? तो यदि नॉर्थ वेस्ट में हरा रंग या ब्राउन कलर या पेड़ पौधे आ गए हैं तो भी ये बढ़ सकता है। वहां पर यदि कुछ यू समझ लिए भारी सामान आ गया है तो भी आप वो वायु से जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जो चेस्ट में कंजेशन सा फील होता है, वहां पे कोई भारी सामान आ गया है तो भी आपको कंजेशन देगा, ऐसा कंजेशन सा फील होगा। यहां तक कि क्योंकि ईस्ट तो वैसे ही हमारा एयर एलिमेंट है, लेकिन वहां पर यदि वो ज्यादा हो गया तो भी वहां पे आप फील कर सकते हो कि नहीं, लंग्स में ड्राइनेस आ गई है, खुश्की बढ़ गई है शरीर में, स्पेशली
नॉर्थ वेस्ट का जो ये जोन है, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि ये हरा रंग ब्राउन कलर आ जाए या कोई और एंटी एक्टिविटी, ग्रीन सीनरी लगी हुई है, जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तो पौधे मतलब पौधे, कोई भी चीज़ सिंबॉलिक में है। मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है और आपने बड़े सुंदर से हरे रंग के पर्दे लगाए हैं या ब्राउन कलर के पर्दे लगाए हैं, तो भी वहाँ पर वो वायु का ही काम करेगा। और जब हम बोल रहे हैं कि इसकी अधिकता हो गई है, तो क्या इन दिनों वहां पे कुछ ऐसी चीज रखी है जिसकी वजह से ये बड़ा है? तो ये देखने की जरूरत है। और शांत करने के लिए हम, क्योंकि आयुर्वेद की भाषा में बात कर रहे हैं, वात पित्त कफ की, तो बड़ा सिंपल सा उपाय है आयुर्वेद का कि वायु को आयुर्वेद में देसी घी कम करता है। तो नॉर्थ वेस्ट में यदि आप देसी घी भी रख देते हैं तो ये वायु को शमन कर देगा, वायु को दमित कर देगा, जो बड़ी है वायु उसको कम कर देगा। हम सदियों से जब शरीर में वायु बढ़ती है तो घी का उपयोग करते हैं, नाखूनों पे लगाना या नाभि पे लगाना। इस तरीके से हम अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए, वायु को कम करने के लिए देसी घी का उपयोग करते हैं। ये हमारी पुरानी वैदिक विद्याओं, आयुर्वेद का उपाय है और आयुर्वेद का बहुत कारगर, और नुस्खा शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये इलाज है, उसका रामबाण इलाज है। जब आपकी वायु कुपित होती है तो आप घी का उपयोग करते हैं तो ये उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयुर्वेद की भाषा में बात मैं करूं तो आयुर्वेद में आपने यदि सुना होगा तो पंचकर्म का कहा जाता है, और पंचकर्म का जो विधान है, पंचकर्म जो क्रिया है, वो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए है। शरीर को डिटॉक्स करना मीन्स जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। टॉक्सिन्स कैसे बढ़ जाते हैं? वही आहार, व्यवहार, विचार, या हमारे आहार से हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ऋतुचर्या के अनुसार नहीं खाया, या हमारे विचारों में कुछ इस तरह की गति आ गई, एंजाइटी या क्योस क्रिएट हुआ, तो शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि साल में कम से कम एक बार बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी पंचकर्म कर देना चाहिए। तो बात तो है ये बॉडी की, पर हम तो बात बॉडी की नहीं कर रहे, हम तो बात महावास्तु की और भवन की कर रहे हैं। तो एक भवन का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हो? भवन का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि मैंने जैसे कहा कि बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो उन्हें हटाया जाता है, यानी कि टॉक्सिन को सादी भाषा में बोलेंगे कचरा। शरीर में जो अनावश्यक कचरा जमा हो जाता है हमें उसे निकालना होता है। तो भवन में भी क्या कुछ ऐसा अनावश्यक कबाड़ या कचरा तो इकट्ठा नहीं हो गया? तो समय है देखने का और उसे भी क्लटर फ्री, क्लटर यानी कबाड़, क्लटर फ्री करने का। जैसे आप अपने भवन को क्लटर फ्री करेंगे, आप अपने आप को हल्का पाएंगे। ये मैं आपको बोलूंगी, आज खुद ये प्रयोग करिएगा। घर के किसी एक कोने की सफाई का हिस्सा काम लीजिए कि नहीं, आज इस कोने को मैं साफ करूंगा। उस कोने में कोई भी पुरानी रद्दी पड़ी हो या कुछ ऐसा सामान पड़ा हो जिसको आपने बरसों से इस्तेमाल ना किया हो या कुछ महीनों से ना किया हो। आजकल तो हमारे पास गैजेट्स बहुत होते हैं, तो पुराने बिगड़े हुए चार्जर या पुरानी बैटरीज, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक जंक हम बोलते हैं, बहुत सा घरों में मिल जाता है, जिन्हें हमें लगता है हाँ पड़ा है, मैं ठीक करवाऊंगी, हाँ मिक्सर बिगड़ गया है, ठीक करवाना है, पर समय नहीं मिल पाता तो हो नहीं पाता। लेकिन क्या आपको पता है ये पड़ा हुआ जंक आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है? क्योंकि भवन में जो कुछ भी है वो आपके ही शरीर का, आपके ही सबकॉन्शियस का एक्सटेंशन है। वहां पर कुछ जमा हो रहा है तो आपके मनस में भी वो कबाड़, वो जंक जमा हो रहा है। धीरे धीरे आपकी अपनी क्लैरिटी, आपकी अपनी स्पष्टता भी खोने लगती है। खास करके जब मैं आपको प्रयोग करने के लिए बोल रही हूं तो बहुत जरूरी है कि आज आप चेक माई वास्तु ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया आपने, पता चल जाएगा नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, तो घर का नॉर्थ ईस्ट जरूर क्लियर करें। वहां जरूर देखें कि वहां पर तो कोई ऐसी चीज अस्त व्यस्त पड़ी हो,
करीने से कुछ नहीं पड़ा हुआ है, या कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, बस पड़ी हुई है, ध्यान ही नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो उसको वहां से आप साफ कर दें, हटा दें, जो भी अनावश्यक पड़ा हुआ है उसे वहां से क्लियर कर दें। नॉर्थ ईस्ट जो कि स्पष्टता का जोन जोन है, क्लैरिटी का जोन है, स्पष्टता और क्लैरिटी स्वास्थ्य में कैसे हेल्प करेगी? सबसे पहले वो आपको स्पष्टता देगी कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना है, क्योंकि जब आपकी अपनी अवेयरनेस बढ़ गई, आपकी सजगता बढ़ गई, तो आपको तो पता ही है मुझे क्या करना है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहन के निकलना है, या घर में कौन सा भोजन करना है जो मेरे शरीर को के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, इसकी समझ आपको अपने आप ही पड़ जाएगी। हाँ, किसी का भी ज्ञान लेने की जरूरत ही कहाँ रहेगी, हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति के पास उसकी इंट्यूशन है, हर व्यक्ति के पास वो बॉडी अवेयरनेस है, सिर्फ और सिर्फ ट्यून इन करने की जरूरत है। तो जैसे ही नॉर्थ ईस्ट को आप साफ करते हैं, ठीक करते हैं, आपकी स्पष्टता, आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है, आपके भीतर से वो स्फुरणा, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आपके भीतर से आने लगता है कि नहीं, मुझे अब अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, थोड़ी वॉक भी करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है, खाने पीने पे ध्यान देना है। साथ साथ में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्लियर हुआ, तो एक और चीज आ जाती है, आपका अपने इष्ट से जुड़ाव शुरू हो जाता है। इष्ट से जुड़ाव यानी मोटिवेशन मिलती है मेडिटेशन करने की। मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान है फिर से वही, अपने आप से जुड़ना और अपने ईश से जुड़ना। और ध्यान सिर्फ जोड़ने का काम नहीं है कि वो आपको जोड़ता है, ध्यान आपके भीतर उस प्रकाश को लेके आता है, उस तेज को लेके आता है जिससे आप स्पष्टता से सब देख सकें। वो वैसी अग्नि जो शिखी की अग्नि है वो उत्पन्न करता है कि आपके भीतर का जो अंधकार है वो सब मिट जाए, आपको खुद समझ में आ जाए मेरे लिए क्या सही है। जब आपकी अपनी ही समझ बढ़ जाएगी तो फिर किसी और की तो जरूरत ही नहीं है, और यही समझ फिर आपको आपके स्वास्थ्य की ओर लेके जाती है। आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की दूसरी दिशा, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे हम इम्यूनिटी का जोन कहते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन है वो हमारी इम्यूनिटी का जोन है। इम्यूनिटी यानी हमारे स्वास्थ्य का, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने का। अब यहां पर भी यदि कोई कबाड़ है या कुछ इम्बैलेंस है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नीला रंग है, तो ये यहाँ पर हमें उसे देखना है कि नीले रंग की जो दिशा है यानी जल तत्व की दिशा है, तो जल तत्व की दिशा होने की वजह से यहाँ पर जल तत्व से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, यानी कि नीला या इवन काला, ब्लैक कलर, उसे भी हम जल तत्व का रंग मानते हैं, या जल तत्व के जो पैटर्न्स होते हैं वे भी पैटर्न्स हो। पर इसके विपरीत यदि यहाँ पर अग्नि आ गई किसी भी रूप में, चाहे वो एज इन किचन आपका वहां पर है, या वहां पर लाल रंग के रूप में। अब जब हम लाल बोल रहे हैं तो कितनी बार लोगों को लगता है लाल मीन्स लाल, नहीं, लाल मीन्स पिंक से लेके मेजेंटा यानी रेड फैमिली, जिसमें भी हल्का सा भी एक रेड का टिंच है वो रेड फैमिली में ही आता है। तो वहां पर यदि फायर है तो जल तत्व को सुखा देगी, वहां वो आर्द्रता नहीं रहेगी, और आर्द्रता गई यानी वहां पे भी वो खुश्की आनी शुरू हो गई, यानी आपके स्वास्थ्य पे वहां पर भी इफेक्ट आना शुरू हो गया। और ये तो वैसे ही स्वास्थ्य की दिशा है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दिशा यानी इम्यूनिटी, जब हम बात करते हैं आजकल तो इम्यूनिटी मतलब बड़ा हमने वैसे समझ लिया है कि हर चीज इम्यूनिटी वाली बन सकती है, खाने पीने की चीजें तो दूर की बात है, आजकल तो साबुन भी इम्यूनिटी वाले हो गए हैं और शैम्पू भी इम्यूनिटी वाले हो गए हैं और हर चीज में इम्यूनिटी है। पर यहाँ हम सिर्फ ये चीजों की बात नहीं कर रहे, आपके भीतर जो इम्यूनिटी है, आपके भीतर की जो इम्यूनिटी है, जो किसी भी बीमारी से यदि अनजाने में आ भी गई तो लड़ने की जो आपके भीतर शक्ति है,
बीमारी को जो छूने ही नहीं देती है आपको, उस इम्यूनिटी की बात है। ये जोन आपका यदि बैलेंस है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी इंटैक्ट रहेगी कि किसी बीमारी के आने की संभावना कम रहेगी, आप स्वस्थ ही रहेंगे। अब इसके साथ साथ में यदि हम देखें तो बात शुरुआत में मैंने की थी डर की, कि डर ज़्यादा है, लोगों को हुआ नहीं है पर डर इतना है कि वो मैनिफेस्ट कर लें, भीतर एक घबराहट सी बनी रहती है। मेरी कुछ मित्रों से बात हुई इन दिनों, तो डर इस चीज़ का नहीं है कि मुझे बीमारी हो जाएगी, आजकल तो डर इस चीज़ का ज़्यादा है कि बीमारी हो गई तो क्या मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या मुझे हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा, क्या मुझे इंजेक्शन मिल जाएगा। इतना डर, इतनी इनर जो क्योस है, तो उस डर को कॉम्बैट करना है हमें, उस डर को भगाना है। तो डर को भगाने के लिए क्या है, किस चीज़ से ये डर आ रहा है? साउथ साउथ ईस्ट, जो महावास्तु में आपकी कॉन्फिडेंस की, या यूं कहो आपके मसल पावर की दिशा है। और साथ साथ में हम उस तरीके से देखें तो पूरी कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है साउथ साउथ ईस्ट से, यदि वहां पर कोई इम्बैलेंस हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस डर में बदल जाएगा। जहां आपको लगता था हाँ आई कैन डू इट, वहां पे अरे कैसे होगा वाले आपके स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। साथ साथ में क्योंकि ये अग्नि की दिशाएं, अग्नि का मतलब ही होता है डर का विपरीत, निडर, करेज, वो अभयता, वो आपको एक फायर देती है। वो करेज जो है वो एक जहां आग है वहां पे डर नहीं है। तो आग की दिशाओं में यदि कोई इम्बैलेंस आ गया, अब आग को इम्बैलेंस कौन ले आएगा? पानी, पानी आग को बुझा देगा। तो पानी यदि वहां पर है साउथ की, जो ये साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ साउथ ईस्ट, इन तीन दिशाओं में कहीं पानी है तो आपके भीतर डर का आ जाना स्वाभाविक है। तो चेक कर लें क्या आपके भीतर ये डर कहीं आपके घर के फायर जोन इम्बैलेंस की वजह से तो नहीं है। कहीं साउथ में बेडरूम है, बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रहे थे, पर आजकल वहाँ पे ब्लू बेडशीट बिछानी चालू कर दी है तो थोड़ा डर का माहौल बढ़ता तो नहीं गया है? जस्ट चेक इट। कहीं नए पर्दे खरीदे तो वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर के तो नहीं लगा दिए? जस्ट चेक इट। वहाँ पर यदि ये इम्बैलेंस आया तो डर अंदर से अनजाने में आना शुरू हो जाएगा। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। डर गया तो यदि आ भी गया, हो भी गया, बीमारी आ भी गई तो ठीक है ना, ठीक भी हो जाएंगे, इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। डर नहीं आएगा कि अरे क्या मैं इससे ठीक नहीं हो पाऊंगी, ये भाव नहीं आएगा। अब साथ साथ में आ रही है एक दूसरी जोन, इसके साथ जो जुड़ी हुई है एंजाइटी, क्योंकि जब डर आता है साथ साथ में आती है एंजाइटी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एंग्जाइटी की जोन जो है महावास्तु में वो है ईस्ट साउथ ईस्ट, मंथन का जोन। तो सेम वे हमें देखना है क्या मंथन के जोन में तो कोई इम्बैलेंस नहीं है, वहाँ पर तो कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हो रही जो मेरे मंथन को बढ़ा रही है। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी यदि फायर आ जाए तो मंथन ज़्यादा होने लगता है, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो गया है तो वहाँ से उस कलर को हटा दें। तो ये हमने सारे महावास्तु के जोन्स की बात की। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे हम घर को बैलेंस कर सकते हैं और घर के साथ साथ अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जब आप उसको क्लियर करते हो, स्पष्टता बढ़ती है, आप ध्यान में उतरते हो तो आपकी बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है। तो मेरा सुझाव आपको रहेगा नियमित ध्यान जरूर करें। प्रश्न आ सकता है कौन सा ध्यान, कैसा ध्यान, कोई भी ध्यान जो आपको रुचता हो, आप किसी चीज़ को मानते हो आप कर सकते हैं। और फिर भी कोई स्पेसिफिक करना चाहे तो आप mahavastu.com पे जाकर पतंजलि ध्यान डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप रोज कर सकते हैं, या सिर्फ 15 मिनट का ओंकार वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये दोनों में से कोई भी ध्यान या दोनों जो आपको
उचित लगे या जिससे आपका मन शांत हो, आपके मन में वो स्पष्टता बढ़े, आप कर सकते हैं। 15 मिनट तो स्वयं के लिए दे ही सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन का एकमात्र उपाय है जो आप अभी भी ले रहे हैं, कंटिन्यूस ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, भले हम उसकी वैल्यू करें ना करें। परमात्मा ने ऑक्सीजन को भरपूर प्रमाण में हमें दिया है। हम अपनी इस प्रक्रिया को कि हमें जो ये फ्री में मिल रहा है, उस प्रक्रिया को हम बिल्कुल स्वचालित और स्वस्थ बनाए रखें, उसके लिए हम प्रतिदिन कुछ नहीं करते। तो कुछ समय, 5-10 मिनट या 15 मिनट प्राणायाम को भी अवश्य दें। ये छोटी छोटी चीज़ें, हाँ, ध्यान और प्राणायाम यदि आप नॉर्थ ईस्ट में करते हैं तो मैं कहूँगी कि आप ही मुझे अपने अनुभव लिखिएगा कि आपको उससे क्या अलग अनुभव मिला जब आपने नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन किया या नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आपने प्राणायाम किया। ये आपका अपना अनुभव बोलेगा जब आप लिख के भेजेंगे कि हाँ मुझे इससे क्या मिला। इतना सा उपाय करने से मन शांत होगा, मन में से वो डर अपने आप चला जाएगा और शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की अवेयरनेस बढ़ जाएगी शरीर को क्या देना है। आहार, व्यवहार, विचार, विचार कैसे लेने हैं, आहार कैसा लेना है। साथ साथ में यदि मान लीजिए, ये तो हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें कि हमें ये बीमारी आए ही ना, मान लीजिए आ गई है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वापस से सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, हो सके तो चाहे घर के लोगों को कह दीजिए या आपसे हो सके तो आप देख लीजिए कि क्या इन चीजों में, इन दिशाओं में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। मेडिकल इलाज के साथ साथ, ऐसा नहीं कि हाँ कहा था तो हमने ये देख लिया, हमने मेडिकल नहीं, जैसे ही लक्षण आया तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और साथ साथ में इन चीज़ों को एक साथ करें, रिकवरी फास्ट हो जाएगी, एनर्जी वर्क साथ साथ में काम करेगा और जैसे ही आप इन दिशाओं पर काम करेंगे उनमें वो बैलेंस लाएंगे, रिकवरी की स्पीड बढ़ जाएगी। साथ साथ में जैसे मैंने कहा, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल के दिए हुए, पुराने आयुर्वेद से लिए हुए, उन्होंने जो दिए हैं आयुर्वेद का कि अपनी एक क्या कहीं स्टडी करके उन्होंने अच्छे से उसको हमें जो दिया है, छोटे से उपाय हैं। शायद आपकी दादी नानी ने भी आपको बताया होगा कि शरीर की खुश्की को, डाइजेशन को ठीक करने के लिए या शरीर की खुश्की को हटाने के लिए सबसे सरल उपाय है, रोज रात नाभि पे 2 से 3 बूंद गाय के घी को अवश्य लगाएं। खाने में भी घी का उपयोग करें, घी खुश्की हटाता है, घी वायु का शमन करता है, पर याद रहे देसी घी और हो सके तो गाय का शुद्ध देसी घी। अपने आहार को नियमित करें, साथ साथ में आहार में जैविक खान पान को ज़्यादा लेकर आए। जैविक प्राण ऊर्जा से भरपूर, तो प्राण ऊर्जा से भरपूर क्या है, हमारे फल और सब्जियाँ, अनाज के बनिस्बत फल और सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें। खाने के समय को नियमित रखें, यदि आप सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं तो 9 बजे, ऐसा नहीं कभी 9 कर लिया, कभी 10, कभी 12, या दोपहर का भोजन कभी 1, कभी 2, कभी काम में थे तो 5 बजे कर लिया। जितना अपने आप को नियमितता में ले आएंगे उतना शरीर स्वस्थ अपने आप होने लगेगा। जंक छोड़ दें, वैसे भी मुझे लगता है शायद ये समय है बैक टू बेसिक्स का, वापस से अच्छे से अपनी उस दिनचर्या को अपनाने का, थोड़ा ध्यान, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम और स्वस्थ आरोग्यवर्धक आहार, वैसे ही विचार आपके जीवन में स्वस्थता को कैसे लेकर नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं देखती हूँ कि यदि किसी मित्रों के प्रश्न हैं तो हम उनके जवाब देंगे।
जुड़ने के लिए धन्यवाद गिरिराज जी, झरना जी, कविता जी, मोना, भावना जी, नारायण जी, मधु जी, सुहानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोना लिखती है, मुझे कोरोना के बाद स्ट्रेंथ कम हो गई है ऐसा लग रहा है। एसएससी में कबर्ड है और उसमें स्टोरेज है, और नॉर्थ वेस्ट में भी शू रैक है, WNW में किचन स्टोरेज है, आप गाइड कर सकते हैं क्या? आप मोना अपना ग्रिड मैप हमें भेजें, आप योगदान भी ले सकते हैं जैसा कि इसमें लिंक पोस्ट की गई है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ लिखा है, तो इसको देखकर मुझे आपके ग्रेडेड मैप को देख के हम योगदान में आपको उसके ऊपर आपके प्लान के ऊपर पूरा काम करके आपको बताएंगे। हाँ, जो आपने लिखा है इसमें इतना मैं जरूर कहूँगी, यदि स्ट्रेंथ कम हो गई है ऐसा लग रहा है तो अपने खान पीन में जैविक खाने पीने को ज़्यादा ले आए। फलों में और सब्जियों में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो पैकेज फूड में नहीं है। यदि आपके खाने पीने में पैकेज फूड है तो उसे हटा दें। और स्टोरेज, यदि आप बोल रहे हैं कि आपका ये एसएससी में कपड़े हैं या, तो ये भी देख लें क्या वो करीने से रखे हुए हैं, कोई उसमें पुराना बहुत पहले के जो आप यूज़ नहीं कर रहे और बस पड़े हैं एज अ स्टोरेज क्रिएट हो गया है, तो उसे भी चेक कर लें। और बाकी आप योगदान में हमसे अपने ग्रेडेड मैप के साथ मिल सकते हैं। कविता, यस, ग्रेटिट्यूड गिरिराज जी, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। किसी और का यदि कोई प्रश्न है तो आप लिख भेजिए, हम इसे देख सकते, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, आपसे आपके जो भी प्रश्न होंगे। और यदि अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं आप सभी को ये जरूर बता दूं कि हम महावास्तु आचार्य कटिबद्ध हैं योगदान के लिए। योगदान ये सर्व कल्याण, सर्व योग, महायोग की संपदा है जो डॉक्टर खुशदीप बंसल ने शुरू की है, और हम कटिबद्ध हैं हर हफ्ते आपको फ्री वास्तु कंसल्टेंसी देने के लिए। और इसके लिए लिंक में दिए हुए फॉर्म पर आप जाके क्लिक करके उसमें अपना डिटेल डाल सकते हैं, और मुझे या किसी भी ट्रेनर या आचार्य को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए। शेफाली जी लिखते हैं, मैं जब भी पूजा पाठ करने बैठती हूँ तो मुझे विचार बहुत आते हैं, विचार कभी बंद नहीं होते। विचार मतलब अगेन, उसको जब वायु बढ़ती है तब विचार बढ़ते हैं, तब मन शांत नहीं रहता। तो आप शेफाली जी, या तो आप अपने मैप के साथ हमें योगदान के लिए मिल लीजिए, हम आपको और अच्छे से बता देंगे, या आपके घर में ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को चेक करें, क्या वहाँ पर वायु बढ़े ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं पड़ी। ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा पौधे हों तो भी कितनी बार ये हो सकता है, तो आप पहले चेक कर लें और या फिर हमें आप मिल लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी खास टॉपिक पर जानना हो, किसी खास टॉपिक पर महावास्तु की बात करनी हो, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, हम अगले सेशन में उसी सब्जेक्ट पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे, हेल्दी डे, आप स्वस्थ रहें ऐसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।